आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। चंद्रदेव, गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा, कदाचित वो वहाँ बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। अर्थात सृष्टि का असंतुलित होकर पूर्ण रूप से विनाश। अब केवल गणेश जी ही हमें इस संकट से उभार सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र गणेश हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा, वो शीघ्र हमें दर्शन देगा। प्रणाम महागणपति। कल्याण भव। देवी पार्वती, मुझे आपकी चिंता का भान है। प्रभु, गणेश का क्रोध ही है मेरी चिंता का कारण। वो शांत क्यों नहीं हो रहा है? ये तो गणेश का स्वभाव नहीं कि वो संपूर्ण विधि विधान से की जाने वाली पूजा का सम्मान न करे। क्या हमसे पूजा करने में कोई भूल हुई है प्रभु? अब तो आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए श्री महागणपति जी। आप सभी से पूजा में कोई भूल चूक नहीं हुई है देवी पार्वती, महादेव, किंतु मेरा एक सुझाव है, आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। दुर्वा? दुर्वा क्यों श्री महागणपति जी? उचित समय आने पर आप सभी को इसका भी ज्ञान हो जाएगा कि दुर्वा गणेश को इतनी प्यारी क्यों है। दुर्वा? मैं अभी दुर्वा प्रस्तुत करता हूं मां। उचित है पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, माँ, भैया और समस्त देवगण मेरी पूजा में लीन है और यहाँ मैं अपनी पूजा में व्यस्त हूँ। नहीं, मेरा कर्तव्य और दायित्व तो जगत कल्याण के प्रति है। मैं अभी जाकर देवताओं की सहायता के लिए प्रस्तुत होता हूँ। भैया, पिताश्री, माँ, इनको मैं कदापि निराश नहीं कर सकता। मेरे क्रोध के कारण पूर्व में भी बहुत हानि पहुँच चुकी है, इसलिए अब अपने क्रोध को त्यागूंगा मैं। अब अपना दायित्व निभाने में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा मैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनका सहायक बनूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। कहाँ मेरे प्रभु महादेव, उनके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी, और कहाँ तुम? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश, और उधर
मानो अन्न का भंडार हो। देवताओं का क्या है, वो तो मात्र चंद्रदेव को शाप मुक्त कराने का अनुरोध करेंगे मुझसे, क्योंकि वो भी देवता है। किंतु यदि चंद्रदेव ने उनमें से किसी की भी पत्नी अथवा माता को अपमानित किया होता तो क्या वो उन्हें क्षमा कर देते? नहीं, कदापि नहीं। तो मैं उन्हें क्यों क्षमा करूं? क्यों क्षमा करूं मैं उन्हें? अरे, मैंने पूजा मध्य में ही छोड़ दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा, जो जित है वो मैं करूं, इसकी प्रेरणा आपने ही मुझे दी थी। किंतु अब समय आ गया है कि आप भी वो कीजिए जो उचित है, क्योंकि यदि अब आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी सृष्टि की रक्षा का हमारा दायित्व निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। रक्षा हेतु कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ओम गणपते नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं, पर भीतर गणेश जी भी कुपित अवस्था में हैं। उतला जी, अब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे तो ज्ञात नहीं इसका क्या परिणाम होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रही हैं? पुत्र, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्या होगा माँ, मैं तो पिताश्री की पूजा कर रहा हूँ। पुत्र, सभी देवताओं में सबसे उदार हो तुम, सबसे दयालु हो, फिर इस बार इतना हट क्यों? इतने कठोर क्यों हो रहे हो तुम? चंद्रदेव को उचित सीख दे चुके हो तुम, ऐसी सीख जो उन सभी को सदैव स्मरण रहेगी, जो बालकों के भोजन पर व्यंग करते हैं, बालकों को भोजन के प्रति रुचि पर कुदृष्टि डालने के लिए प्रेरित हो, फिर भी अपने क्रोध पर क्यों टिके हो तुम? माँ, चंद्रदेव को दंडित करने का कारण तो आप हैं। उन्होंने आपको कष्ट देने का अपराध किया था। तो क्या ऐसा करके तुम्हें मेरे प्रति अपने स्नेह को प्रमाणित करने की आवश्यकता है पुत्र? नहीं माँ। तो फिर क्या तुम प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो? क्या प्रतिशोध की भावना आसुरी भावना नहीं? मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या? पुत्र, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है कि देवी रोहिणी कितने कष्ट में है? क्या तुम्हें उनकी प्रार्थना का स्वर सुनाई नहीं दे रहा पुत्र? जब तुम्हारे पिताश्री और मैं एक दूसरे से विलग हुए थे तो तुमने कितना अथक प्रयास किया था हम दोनों को एक साथ लाने के लिए। उसी प्रकार अब देवी रोहिणी चंद्रदेव से विलग हुई है, तो क्या तुम उनकी पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो पुत्र? क्या तुम ये भी देख पाने में असमर्थ हो कि स्वयं जगत पिता महादेव तुम्हारे पिता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? क्या तुम इससे भी प्रभावित नहीं हो पुत्र?
नहीं माँ, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु किंतु क्या पुत्र? जिस माँ के लिए तुमने स्वयं चंद्रदेव को दंडित किया, वो तुम्हारी प्रार्थना कर तुम्हारी गुहार लगा रही है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। तब भी तुम इतने कठोर बने हुए हो, चंद्रदेव को क्षमा करने में असमर्थ हो। नहीं माँ, मैं उन्हें क्षमा करना तो चाहता हूँ, किंतु तुम्हारी क्षमाशीलता के कारण ही पुत्र तुम प्रथम पूज्य के पथ पर स्थापित हुए हो। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, किंतु अकस्मात मैं पुनः आवेशित हो जाता हूँ। तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे विकट स्थिति में डाल दिया है। तुम्हारे पक्ष में मैंने उनसे जो भी कहा उसे स्वीकार कर उन्होंने वही किया जो उचित है। तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं वो पुत्र, इसीलिए अब तुम भी वही करो पुत्र जो उचित है, क्योंकि तुम्हारे कृत से तुम किसी का दोष नहीं सुधार रहे, अपितु हट कर रहे हो पुत्र, और तुम्हारे हट से सबको पीड़ा पहुंच रही है। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ रही है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी पुत्र। माँ, सृष्टि को तो मैं भी संकट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने सभी की प्रार्थनाएं सुनी थी और मैं वहाँ प्रकट भी होने जा रहा था, किंतु फिर ज्ञात नहीं अकस्मात कैसे क्रोध का एक प्रवाह उत्पन्न हुआ मेरे भीतर। और मैं पुनः क्रोधावेश में बह गया माँ। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा, क्योंकि जब भी तुम्हें क्रोध प्रभावित करेगा अपनी तर्क शक्ति से उस पर विचार करो पुत्र, अपने भीतर के क्रोध का अवलोकन करो पुत्र, तो जैसे स्याह मेघ वर्षा के उपरांत स्वतः मिट जाता है और आकाश में धवल प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तुम्हारा भी क्रोध मिट जाएगा पुत्र। आओ चलो पुत्र। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रोध के उन्माद से मुक्त होना तुम्हें सीखना होगा पुत्र। जब भी क्रोध आए उसका दमन करना होगा। ओम गणपतये नमः। 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 मैं पुनः क्रोधित हो रहा हूँ, किंतु इस क्रोध का कोई लाभ नहीं, वो कारण समाप्त हो चुका है, वो परिस्थिति बीत चुकी है, तो क्या अभी मेरा क्रोधित होना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है, नहीं। खड़े हंस क्यों रहे हो? ज्ञात नहीं माँ, मुझे पुनः क्रोध का अनुभव हुआ, फिर मेरे मन में आपके शब्द कौंधे, फिर मैं शांत हो गया, किसी स्याह मेघ के समान। आओ गणेश, चलो आओ। ओम गणपतये नमः। Thank you.
सभी की पूजा से प्रसन्न हुआ। प्रथम पूज्य गणेश जी, आप सभी के विघ्नहर्ते, आपको हमारे और इस समस्त संसार के संकट हरने ही होंगे प्रभु। गणेश जी, आपने जो मेरे स्वामी चंद्रदेव को शाप दिया है उसे निरस्त करने की कृपा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं। देवराज इंद्र, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि एक बार जो शाप दिया जाता है उसे पूर्ण रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। किंतु गणेश, इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, कोई तो युक्ति होगी जिससे तुम इस संकट को दूर कर सकते हो। हाँ गणेश जी, मुझे विश्वास है आप कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। सर्वथा उचित कहती है माता, शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। शाप तो लौटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव, 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 चंद्रदेव। गणेश जी पुनः पुकार रहे हैं, किंतु नहीं, मैं यहीं छिपा रहूंगा, कदाचित वो वहां बुलाकर मुझे और दंडित ना कर दें। चंद्रदेव, आप जहां भी हैं वहां से बाहर आइए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके प्रति अब मेरा क्रोध शांत हो चुका है। गणेश जी मुझसे क्रोधित थे, क्या उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया? चंद्रदेव, चंद्रदेव कहाँ हैं आप? आप हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो रहे? आप सब यहाँ एकत्रित हैं, किंतु आप अपनी दृष्टि मुझ पर ना डालें, अन्यथा आप सब कलंकित हो जाएंगे। ना डालें अपनी दृष्टि मुझ पर। ये चंद्रदेव, चंद्रदेव, मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश आपको अपने दिए गए शाप से आंशिक रूप से मुक्त करता हूँ। चंद्रदेव अब संसार के लिए पुनः दर्शनीय हो जाएंगे और अब उन पर दृष्टि डालने के परिणाम स्वरूप किसी को भी कलंकित नहीं होना पड़ेगा, किंतु मात्र एक तिथि को छोड़कर, और वो तिथि होगी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अर्थात मेरा जन्म दिवस। मात्र उसी तिथि पर जो भी चंद्र का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे शाप के कारण कलंक का सामना करना होगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत अहंकारी हो गया था। चंद्रदेव, मुझे भी स्वयं से प्रेम है,
किंतु अपनी सराहना करना और स्वयं पर गर्व करने में एक बहुत छोटा सा भेद है, और वो भेद है अहंकार। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं इस प्रकार की भूल कदापि नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। और बुद्धि से सिंदूरा संगारा। आपका कल्याण हो चंद्रदेव। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, मैं इस तिथि को भी स्वयं से जोड़ता हूँ। आज की ये तिथि संकष्टि चतुर्थी के नाम से भी विख्यात होगी। जैसी हो रेवा। और इस तिथि पर जो भी भक्त व्रत धारण कर मेरी पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्र को जल का अर्घ देकर पूजा संपन्न करेंगे, मैं उनके सभी संकट हरूंगा, उनके सभी दुख दूर करूंगा। स्मरण रहे, संकष्टि चतुर्थी का ये व्रत और पूजा चंद्र के दर्शन कर उनकी आरती के उपरांत ही संपन्न होंगे। धन्यवाद गणेश जी। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं और क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। गणेश का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया है। नाथ, आप वहां जाइए और गणेश को शांत करने का उपाय कीजिए। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी श्वास से मेरा खिंचाव बंद करो। पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा।